हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो आई होप बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ओके, आई होप यू ऑल आर सेफ। चलिए, सो क्लास नाइन्थ में आपने स्टेप अप किया है। कल हमने एक छोटी सी वीडियो आपने देखी होगी क्लास नाइन्थ की, चैप्टर नंबर वन की। और चैप्टर नंबर वन कौन सा है? बेटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, देखिए बेटा, कल का जो वीडियो था उसमें हमने कुछ नॉर्मल डिस्कस किया था। पहली बात हमने कल सीखा था व्हाट इज मैटर, ओके। और आपको मैंने बताया था एनीथिंग इन योर सराउंडिंग, यानी तुम्हारे सराउंडिंग में कोई भी चीज, ठीक है, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ओके, कल हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी मैटर की, कि तो उसमें क्या होगा, मास होगा, और दूसरा वो क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसके अलावा हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने देखा था कि जनरली मैटर को थ्री स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन कौन से मैटर होते हैं। तो सॉलिड में फॉर एग्जांपल फिर से अगर हम देखें तो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या है, इट इज अ मैटर। और ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, इज दैट क्लियर। पेन, पेन क्या है, ये भी एक मैटर है, ये भी सॉलिड स्टेट में, अंडरस्टैंड। उसके अलावा लिक्विड की बात करें तो जितने भी आपके लिक्विड है, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, टी है, वो आपकी लिक्विड मैटर के एग्जाम्पल्स है। और गैस है तो आपको पता है जस्ट लाइक इवेपोरेशन है, स्टीम है, ओके, वो सब क्या है, वो गैसियस स्टेट के मैटर के एग्जांपल्स हैं। चलिए, ये तो बात हमने कल की थी। इसके अलावा हमने और क्या पॉइंट देखा था? कल हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और कल भी हमने क्या डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने मेनली थ्री पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। डिड यू रिमाइंड? आई होप वहां समझदार बच्चे हो, आप पढ़ाई भी करते हैं घर में, तो आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने तीन चीजें देखी थी। एक तो क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, हैव अ स्पेस बिटवीन देम, ओके। और आपको याद होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इसमें एक चीज हमने जो मेनली पॉइंट आउट की थी कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो सोल्युबिलिटी वाला पॉइंट है, सोल्युबिलिटी यानी जब एक सब्सटेंस को हम दूसरे में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, सोल्युबल करते हैं, तो वो जो सोल्युबिलिटी है यानी घुलनशीलता, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल देयर इज ए बीकर, ओके, और इसमें या मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ओके, और आपने इसमें क्या किया, हम इसमें साल्ट ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा यह भी देखना, जो मेजर अमाउंट में हम लेते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में जो चीज लेते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। आगे आपको बहुत कम आएगी, आगे भी हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और जो हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूट, ओके। तो हमने क्या किया था, हमने साल्ट वाटर में ऐड किया था। और आप देखेंगे इसमें एक चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी कि जो बीकर है उसमें वाटर का लेवल 5 ml है, ठीक है। तो साल्ट ऐड करने के बाद और साल्ट को आपने पूरी तरह से मिक्स कर दिया, उसके बाद भी जो लेवल है वाटर का वो सेम टू सेम रहता है, इट मीन्स उसमें कोई हाइक नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता। क्यों? सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमने बात की थी वो कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है। ओके, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। हैव ए गुड डे।